हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा व्लॉग है, ये वीडियो जो है, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, इस वीडियो में मेरी जो जर्नी है, मैंने ये जो इतने टाइम में क्या सीखा है, और मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने इस चैनल की कोई भी वीडियो को कभी भी देखा है, कभी भी कोई लाइक किया है या कमेंट किया है या डिसलाइक किया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लाइक किया है कि डिसलाइक किया है, लेकिन अगर आपने डिसलाइक भी किया है तो कुछ सोच के डिसलाइक किया होगा। हो सकता है आप उस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, तभी आपने डिसलाइक किया होगा, तो मैं उसे भी अप्रिशिएट करती हूँ। आपका टाइम देने के लिए, आपका वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब भी लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, डिसलाइक आते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन ये लगता है कि शायद मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा नहीं कर पाई, इसी वजह से ये हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट चीज़ में कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो जर्नी थी ना, बहुत ही अलग और बहुत ही पता नहीं कैसे शुरू हुई थी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने अपने अपना जो चैनल है उस पर सबसे पहली जो वीडियो डाली थी वो थी 2 साल पहले, मैंने उसको डाला था। लेकिन तब मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी या ऐसा कुछ भी, बस ऐसे ही डाल दी थी, बस ऐसे ही कर दिया था। और मैंने सोचा था कि शायद ये जो जर्नी है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, पर उसको मैंने प्रोफेशनली करने का नहीं सोचा था। कभी ये नहीं सोचा था कि ये फुल टाइम हो जाएगा या इसको ऐसे कभी करूंगी। उसके बाद मैंने वो चीज़ बंद कर दी कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ या मेरे से नहीं होगा, या मुझे अपनी वीडियो अच्छी नहीं लग रही थी देख के, मुझे लग रहा था शायद मैं उस लेवल पर भी हूँ नहीं, मुझे बहुत सीखना है, तो फिर मैंने नहीं किया। लेकिन वो जो वीडियो थी वो अपने आप चली रही थी, उस पर व्यूज़ आ ही रहे थे, उस पर लोग मुझसे कमेंट पूछ ही रहे थे, मुझसे सवाल पूछ ही रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये तो सही नहीं है, मैंने अगर इसको बनाया है तो मुझे इसको जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर मैंने ये जो साल है 2020 मई 2020, जब सब कुछ बंद था, कुछ भी सही नहीं था, मतलब हम लोगों की सभी की सिचुएशन ऐसी थी कि सब लोग घर ही पे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं। तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो थी वो मुझे बहुत सब कुछ तो याद नहीं था, लेकिन जो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसको लेके वीडियो बनाई। और जब मैं पहली बार वीडियो बना रही थी ना वो वाली, तो मुझे पहले जो मैंने वीडियोज़ एडिट की थी उसमें ऐसा होता था कि क्लिप्स होती थी, उसको जोड़ जोड़ के मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो मुझे आता था। लेकिन एक अगर कंटिन्यू, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो इस वीडियो को कट करके क्रॉप कर, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट हटाना, वो सब मुझे उतने अच्छे से नहीं आता था, मैं सीख रही थी। तो मैं कैसे करती थी कि मैं सारी जो स्क्रिप्ट होती थी उसको एक साथ बोलने की कोशिश करती थी, और फिर मैं कोशिश करती थी गलती ना हो। मुझे लाइट सेट करना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। अभी भी आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो जो मई में मैंने डाली थी एक्सपेंसेस वाली समथिंग, तो उसमें आपको लगेगा कि ये क्या है, पर उसमें इन्फॉर्मेशन पूरी सही थी, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दी थी, लेकिन मुझे उसको एडिट करना नहीं आता था। टाइम बाय टाइम मैंने धीरे धीरे इसके साथ साथ सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि जब ये लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रैवल के बाद जो वीज़ास के लिए जो पासपोर्ट अटके थे, मुझे मेरी फैमिली में से किसी ने बताया कि ये अभी इसका क्या होगा, किसी के डॉक्यूमेंट VFS में फंस गए हैं ये, तो मुझे लगा हाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं फंसे हैं, VFS कब ओपन होंगे, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था, समझ नहीं आ रहा था लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैंने उस पर वीडियोज़ बनानी शुरू की, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि बहुत लोग उस चीज़ से सफ़र कर रहे थे, जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे थे उन्हें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, और मैं भी उन्हें इन्फॉर्मेशन कन्फर्म करके दे रही थी। उसके बाद एक वक्त आया कि मुझे लगा कि मुझे ट्रैवल करना तो बहुत पसंद है ही, और मेरा गोल भी वही था कि मुझे ट्रैवल वीडियोस बनानी है, और उस वक्त तो मैं नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैं वीज़ा इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बना रही थी, और मैं दोनों ही वीडियो बनाऊंगी, वीज़ा वाली भी बनाऊंगी और ट्रैवल वाली भी बनाऊंगी। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मेरा ट्रैवलिंग शुरू हुआ, मैंने ट्रैवल करते करते ट्रैवल सीरीज़ बनाना शुरू किया, और मुझे उसमें भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। थैंक यू सो मच सभी को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हैं, उन सभी को। और सीखना बहुत कुछ पड़ता है, YouTube इजी नहीं है,
बहुत कुछ सीखना पड़ता है, वीडियोस बनाना, कंटेंट ढूंढना, फिर उसको एडिट करना। एडिट करने के बाद उसको एक एक वीडियो को मैं खुद 10-10 बार देख के उसको एडिट करती हूँ, सॉरी एक एक वीडियो को मैं खुद 10-10 बार देख के उसमें एडिट, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। ट्रस्ट मी, एक सॉफ्टवेयर सीखा, फिर दूसरा सॉफ्टवेयर सीखा, फिर लगा कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बेसिक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, फिर थोड़ा सा एडवांस। जो लोग भी ये चीज़ कर चुके हैं उन्हें पता लगेगा वीडियोज़ में टेक्स्ट ऐड करना भी मुझे नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ मतलब कुछ भी नहीं आता था, मुझे वीडियोज़ लेना भी नहीं आता था, बस मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी। फिर करते 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 काफ़ी कुछ सीखने मिला, और अभी आप लोग ही मुझे बताते हो वीडियोस में कि मैंने अच्छी एडिटिंग की है, मैंने अच्छे वीडियोस शूट किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों की हॉबीज़ हैं और वो लोग ये कर रहे हैं तो उन्हें बहुत कुछ आता होता है, लेकिन जिसकी हॉबी नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, तो ये मैं उस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ। तो ये है मेरी जर्नी। उसके बाद एक वक्त आया कि मोनेटाइजेशन। अब मोनेटाइजेशन, जो आप लोग तो YouTube से नहीं हैं, जो लोग YouTube से हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो YouTube से नहीं हैं उन्हें बता दो कि मोनेटाइजेशन एक चीज़ होती है जिससे हमारी जो वीडियोस होती हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट आना शुरू होती है, और एडवर्टाइजमेंट जब आना शुरू होती है तभी YouTube से पैसे मिलना शुरू होते हैं, और उसकी क्राइटेरिया होती है। जो क्राइटेरिया में दो एलिजिबिलिटी होती है जो करना होता है, सबसे पहला होता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और उसके अलावा 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर तो कैसे करके हो भी जाते हैं कि चलो हो गए 1000 सब्सक्राइबर्स, हो गए लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हो जाएंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ वॉच टाइम कंप्लीट करना डिफ़िकल्ट होता है। वो भी वो कंटेंट, जब मैं वीज़ा का वीडियो बना रही थी तो वीज़ा वाले लोग कितने इतने ज़्यादा नहीं होते, हमारे जो भी पॉपुलेशन उसमें वीज़ा बहुत ही कम लोग उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत कम लोग उस चीज़ के लिए सर्च कर रहे होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में आपको 4000 आवर्स बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हमारी वीडियोस होती हैं 2 मिनट, 5 मिनट, या ट्रैवल वाली है तो 7-8 मिनट, तो लेकिन तब तो ट्रैवल वाली नहीं थी, 2 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, और वो लोग भी वीडियो सारी नहीं देखते, आप खुद भी पूरी वीडियो नहीं देखते होंगे, कि मतलब आपने शुरू किया आपके काम का नहीं है तो आप बंद कर दोगे। ऑब्वियसली मैं भी ऐसा ही करूँगी, अगर मेरे काम का नहीं होगा तो मैं क्यों देखूँगी। लेकिन ऐसे करते करते 4000 आवर्स का वॉच टाइम, जब मैंने मई से काम शुरू किया था प्रोफेशनली, सोचा कि नहीं अब मुझे करना है, उसके बाद अक्टूबर सितंबर एंड तक आते आते 4000 आवर्स के वॉच टाइम कंप्लीट हुए मेरी चैनल पे, और उसके बाद दिन आया मोनेटाइजेशन का, और उस दिन मैं इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मोनेटाइजेशन का जो वक्त आया, और उस दिन जब मेरा चैनल मैंने सबमिट किया मोनेटाइजेशन के लिए, तो मेरी किस्मत उस वक्त अच्छी भी थी और बुरी भी थी। मैं आपको बताती हूँ दोनों चीज़ें क्या हुआ था, कि मोनेटाइजेशन तो मेरा 24 आवर्स के अंदर ही, क्योंकि मेरा कंटेंट खुद का था, मैंने खुद अपनी आवाज़ अपना ओरिजिनल कंटेंट यूज़ किया था, कोई म्यूज़िक ऐसा नहीं यूज़ किया था जिसकी वजह से, कोई मूवी का सीन नहीं, कोई गाना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से दिक्कत आए, तो मेरा चैनल मोनेटाइज तुरंत हो गया। 24 आवर्स के अंदर मुझे मैसेज आ गया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ और शुरू कर सकती हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने एक गलती की, कि उसमें एक लीव पार्टनर प्रोग्राम होता है, मतलब जिसपे अगर आप पिक कर देते हैं तो आप उसमें से निकल जाते हैं, ये गलती, और वो बहुत छोटी हैंडराइटिंग में लिखा रहता है, शायद वो समझ, उस वक्त हम बहुत एक्साइटेड जब होते हैं, मैं तो ओवर एक्साइटमेंट ही बोलूँगी उस चीज़ को, मैंने ओवर एक्साइटमेंट में आके वो 3-4 बार उसको, जब भी मेरा चैनल मोनेटाइज होता मैं तुरंत उसको लीव कर देती, ऐसा मैंने 3-4 बार किया, और उसके बाद मुझे मैंने बहुत लोगों को, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। जो लोग नए होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता, तो हम चाहते हैं कि कोई हमसे बात करे, हमें समझाए कि हम क्या गलत करें, और YouTube का एक पॉलिसी जो है, जो शायद अगर कोई YouTube में एम्प्लॉई है और कोई वीडियो सुन रहा है, तो उन्हें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग गाइड करें, जब मोनेटाइज होता है तो वो लोग गाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग नए हैं मेरे जैसे, उन्हें पता नहीं होता, और वो लोग चैट सपोर्ट भी नहीं देते। आपके जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं, तब तक आपको चैट सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको मेल करनी होती है, उस पर वो लोग रिवर्ट करते हैं और फिर वो आता है, इस तरीके से बहुत लेंथी प्रोसेस है, ये इजी प्रोसेस नहीं है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, और नो डाउट वो लोगों का हो जाता था, वो लोग रिप्लाई करते 3-4 दिन 5 दिन में तो रिप्लाई आती है, काम हो भी जाता है,
लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि इश्यू कहाँ आ रही है। तो वैसे करते करते जब मैंने जो भी टेक्निकल चैनल्स हैं उनमें काफ़ी लोगों को मैंने ईमेल की थी, लेकिन मुझे किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। टेक्निकल जो लोग भी यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं उनमें से जो भी फेमस और अच्छे लोग हैं जो मुझे लगता था कि मेरी हेल्प कर पाएंगे, ऐसे मैंने 5 से 6 लोगों को मेल किए थे, जिसमें से मुझे एक इंसान ने रिप्लाई किया था। वो टेक्निकल इसरार हैं, जिनका अगर आप उनकी चैनल देखते हो तो मैं बताऊँ उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया और मुझे गाइड किया उस वक्त कि कोमल तुम ये गलती कर रहे हो, तो फिर मैंने उस गलती को सुधारा उसी वक्त और फिर वो मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो हो गया। उसके लिए मैं उनको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और उसके अलावा जब मेरे को ये इनका रिप्लाई नहीं आया था तब साथ साथ में मिथिलेश बैकपैकर करके हैं, वो भी ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मोरल सपोर्ट दिया कि कोमल टेंशन मत लो, हो जाएगा, ये इश्यू है, सॉर्ट आउट हो जाएगी। मेरे साथ भी बहुत काफ़ी लेंथी प्रोसेस था, उनका भी काफ़ी लंबा प्रोसेस हुआ था, तो वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और उन्होंने मुझे कई बार ही काफ़ी मोटिवेट किया है अपने चीज़ों को लेके, अपने कंटेंट को लेके, और हमेशा वो भी सपोर्टिव रहे। तो ये दो लोगों ने जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे वो मोरल हो या तो फिर टेक्निकल हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए। तो उन दोनों को बहुत सारा थैंक यू। उसके अलावा मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि कोमल ये इतना टाइम हो गया, एक वीडियो डाल दो, तुमने बनाया नहीं है, ये हो गया है, वो हो गया, तो मुझे अच्छा लगता है। वो लोग भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इवन फ्रेंड्स भी, मेरे सारे फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे सपोर्टिव हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पफुल हैं, जिन्होंने जो लोग भी मतलब अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियोज़ को प्रमोट करते हैं, मुझे सब लोगों को थैंक यू बोलना। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और आप लोगों के शायद काम का भी नहीं है, पर फिर भी, और हर एक जितना भी अभी तक मैंने ट्रैवल किया है, लकीली मुझे कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अभी तक मैंने जो भी ट्रैवल किया है उसमें काफ़ी सारी ट्रिप्स मुझे स्पॉन्सर्ड भी रही हैं, तो जो लोगों ने मुझे उसमें भी हेल्प की है उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर सब लोग नहीं होते तो मेरा चैनल अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि लॉकडाउन था। तो अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है, मेरा काम अभी फ़िलहाल सिर्फ YouTube है और कुछ काम नहीं है। तो YouTube पे पैसे कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 8 महीने तक तो आपको कुछ, 6-8 महीने तक तो आप सोचो ही मत, और उसके बाद जो भी आएगा वो, जो भी पेमेंट आती है या जो भी शुरू होती है वो बहुत ही कम होती है, नॉमिनल, बहुत नॉमिनल होती है कि आप उसमें नहीं कर पाएंगे। ट्रैवल कंटेंट तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, भगवान की दया से यानी कैसे भी करके मेरा चल रहा है। और मैं आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो उसके अलावा मैंने जब एक वीडियो बनाई थी, ये सरदार पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे मुझे दो ब्लॉगर्स और मिले थे। तो इस तरीके मैं यूट्यूब में जो यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं उनमें से भी मैं किसी को नहीं जानती थी, बस मैं खुद कर रही थी, मैं किसी को जानती नहीं थी। मेरे यूट्यूब का और यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी। हाँ, मैंने बस उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और क्योंकि जब मैं परेशान थी। उसके अलावा जब मुझे यहाँ पे, जब मैंने सी प्लेन वाली वीडियो बनाई थी तब मुझे दो कंटेंट क्रिएटर्स मिले थे, और जिनको मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर लेना, मेरी लिंक में, मैं यहाँ पे कार्ड में दे दूंगी। तो वो लोग मुझे मिले थे, वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी अच्छे थे वो लोग भी दोनों जन। और बस इसी तरीके से जर्नी चल रही, तो अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी था मुझे बहुत कुछ बोलना था, इतने दिनों से बोलना था, तो मैंने सोच, मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स होने की वेट कर रही थी, तो अभी हो गए हैं, तो फिर वीडियो मैंने बना दी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको सवाल पूछना चाहते हैं, या आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो जो आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आपकी जो भी सवाल है मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई तो मोस्टली करती ही हूँ। तो और अगर आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं, ट्रैवल वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, मतलब जनरली तो सभी को पता है, 80-90% लोगों को पता है, पर जिन्हों को नहीं पता है उनके लिए बता देती हूँ कि सब्सक्राइब का बटन बस एक ही बार दबाना होता है। जो आपके रेड बटन आपकी स्क्रीन पे है उसको आप एक बार दबा दोगे, वो ग्रे हो जाएगा, फिर आप बेल नोटिफिकेशन में ऑल